पूजा नॉर्वेज किचन से पूजा दिगंबर। आज बनाने जा रही हूँ लेमन पेपर चिकन। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमने एक पूरा चिकन लेके रखा हुआ है। इसको हमने हल्दी, नमक और एक नींबू के रस से 2 से 4 घंटे पहले मैरिनेट कर लिया है। ये हमने 2 प्याज ली है, 2 अनियन है, इसको स्लाइस किया हुआ है। 1 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून ये कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर है, 6 से 7 हरी मिर्च है, 2 इंच अदरक के टुकड़ों को बारीक काट लिया है और ये धनिया पत्ती कुछ है, 1/2 टीस्पून ये काली मिर्च पाउडर है और 1/2 नींबू का रस और ये हमारा नमक है स्वाद के अनुसार। आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें हमें पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें जीरा ऐड करने जा रहे हैं। ये जीरा हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें अदरक डालते हैं और इसे ब्राउन होने तक इसको सौते करेंगे। ये देखिए हमारा ये अदरक और जीरा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। ये प्याज हमने इसमें डाल दिया है। ये प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और ये धनिया पाउडर मिक्स करेंगे और हम ग्रीन चिली इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने मिक्स कर दिया है। 1 से 2 मिनट हम इस मसाले को पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें ये इसमें हम 1-2 मिनट ये मसाला हमारा पक चुका है। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। नींबू थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हम लेते हैं क्योंकि इसका इस रेसिपी का नाम ही है लेमन पेपर चिकन। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था अब हम इसमें डाल देंगे। ये हमने चिकन डाल दिया है। हम इसे अच्छे से मिलाएंगे कि मसाला हमारा मसाला और चिकन आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए ये हमारा क्या चिकन, अनियन और ग्रीन चिली कोरिएंडर पाउडर जो भी हमने मसाले इसमें ऐड किए थे, ध्यान रहे इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिश है। ये हमने इसको चला दिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। ध्यान रहे कि हमने इसमें पहले भी नमक मिलाया है चिकन में, इसलिए कि इतना नमक डालेंगे कि ये ज़्यादा ना हो। अब इसे तेज आंच पर हम पका देंगे। पैन को ढक देते हैं। देखिए पैन हमने ढक दिया है। ये हम इसको बीच में चिकन को हमें चलाते रहना है।
ये देखिए इसमें मॉइस्चर आ गया है अब। और आपको दोबारा बता देती हूँ कि ये चिकन हमने हल्दी, नमक और एक नींबू के रस से 2 से 3 घंटा इसको मैरिनेट करके रखा हुआ है। हाँ, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि ये बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। ये देखिए इसको चलाना है बीच बीच में। चिकन हमारा पकना शुरू हो गया है। इसके पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा 1 कटोरी पानी इसमें डालूंगी, जिससे कि हमारा चिकन अच्छी तरह से पक जाए। हल्दी, नमक मैंने डाल दिया है, पानी एक नींबू के रस से मैं 2 से 4 और हम इसे दोबारा से ढक देंगे पकने के लिए। ये हमने 2 प्याज, ये देखिए हमारा चिकन अब स्लाइस किया हुआ है, लगभग पक चुका है। जीरा है, अब हम इसे 3 से 4 मिनट खुला पकाएंगे। 2 टेबल स्पून ये देखिए पाउडर, धनिया पाउडर है। चिकन एकदम टेंडर हो गया है। अदरक के टुकड़ों को बारीक काट लिया है और धनिया पत्ती कुछ है। इसमें हम आधा 1 चम्मच इसको गरम मसाला पाउडर डालेंगे, मिर्च पाउडर है और आधा नींबू का रस, और ये और नमक है स्वाद से। हम काली मिर्च ऐड करेंगे, जैसा हमारी डिश का नाम है लेमन पेपर चिकन, तो काली मिर्च को ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। काली मिर्च मिला दिया है इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए गैस को थोड़ा धीमा कर देंगे। ये देखिए ये हमारा चिकन एकदम रेडी हो गया है। इसमें हमारा चिकन अब पक चुका है और इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और ये इसको हम चलाएंगे, जिसमें धनिया का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। ये देखिए ये देखिए चिकन ये बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसको बाउल में सर्व करेंगे और गैस को बंद कर देते हैं। बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ रहा है और इसे हम अब ये चिकन एकदम रेडी है। अब हम इसको हरा धनिया से गार्निश करेंगे और अदरक के टुकड़े से सजा देंगे। ये आप रोटी, नान या राइस के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।